फ्रेंड्स हम असी एक्सरसाइज 3.3 एलसीएम वाली दा सम 6 समझांगे। वन चाइल्ड जंप्स 3 फीट हाई एंड अनदर जंप्स 4 फीट हाई। एक चाइल्ड 3 फीट तक हाई जंपिंग करता एंड दूसरा जिहड़ा हैगा 4 फीट तक, ठीक है। इफ बोथ द चिल्ड्रन कंटिन्यू जंपिंग टुगैदर इन सेम डायरेक्शन, जेकर दोनों सेम डायरेक्शन में जंपिंग कर रहे हैं लगातार, दैन आफ्टर हाउ मैनी फीट दे विल बी टुगैदर अगेन, मतलब कि तो वह किन्ने फीट पर जाके इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब स्टार्टिंग उन्होंने इकट्ठिया ने की, ठीक है, जिहड़ी मर्जी डायरेक्शन में गए तो वह लगातार जंपिंग करते जा रहे हैं, किन्ने फीट पर जाके वह फिर तो बराबर इकट्ठे हो जाएंगे, एक बच्चे की जंपिंग घट है तो एक ज़्यादा वा, ठीक है। किमें सम सॉल्व करना, हाँ जी एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, क्योंकि एक 3 फीट हाई जंपिंग कर रहा दूसरा 4, ठीक है, दोनों का असं एलसीएम पता करांगे। बहुत ईजी एंड बहुत स्मॉल सम है, 3 एंड 4 ले ले, ठीक है जी। डिवीजन मैथड ना असं एलसीएम पता करांगे, 2 का टेबल देखांगे, टेबल में 3 आता, 3 के नीचे 3 लिख लिया एंड 4 आ रहा, यस आ रहा, किन्ने नंबर पर, 2 नंबर पर, 2 का 4 आ गया। नैक्सट असं 2 लिख लिया, 2 के टेबल में 3 आता, 9 आ नहीं आता, सेम नंबर 3 लिख लिया एंड 2 आता, यस आ रहा, 1 नंबर पर। हुण असं 3 नंबर लै लेंगे, 3 के नीचे 1 आ जाएगा डिवाइड करके, ठीक है जी। जिहड़े फैक्टर ने इसके 2, 2 एंड 3 बन गए। एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 केड़ा बन गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। जो असं इन्हों मल्टीप्लाई करेंगे आंसर साढ़े को आजगा 12, मतलब 2 2 का 4 एंड 4 3 का 12। दे विल बी टुगैदर आफ्टर 12 फीट, मतलब जो वो जंपिंग कर रहे हैं तो जो 12 फीट तक पहुँच जाएंगे जंपिंग करते करते, तो उन्होंने जी सेम जगह पर आ जाएंगे इकट्ठे,